नमस्कार दोस्तों, ये प्रोडक्ट का रिव्यू करने के बाद बहुत सारे मुझे कमेंट आए कि आप इसका डोसेज नहीं बोलते हो। तो ये रिव्यू बनता है डोसेज के बारे में। ईसीपीटी सिरप का कंटेंट है साइप्रोहेप्टेडिन और ये ट्राइकोलिन साइट्रेट। ईसीपीटी सिरप भूख बढ़ाने की एक्सेलेंट दवा है, वजन बढ़ाने की दवा है, मगर याद रखिए साइप्रोहेप्टेडिन से बनी ये मेडिसिन जिसका आप बोल रहे हो कि भूख बढ़ाने की दवा है, तो साइप्रोहेप्टेडिन का ये साइड इफेक्ट है जो भूख बढ़ाता है। एक्चुअली ये सिरप एंटी एलर्जी के, एंटी प्रोराइटी के, खुजली को रोकने वाला है। स्किन डिसीज जो खुजली के हो, चाहे आर्टिकारिया हो या राइनेटिस हो, का इलाज करने में कारगर है। इसके अलावा ये माइग्रेन का इलाज करने में कारगर है। माइग्रेन यानी कि अर्धशीशी, आधा सिर दुखना, हे फीवर, एलर्जिक रिएक्शन का इलाज करने में कारगर है। ये वजन बढ़ाने की दवा है। बहुत सारे लोगों को इसका साइड इफेक्ट दिखता है, मगर गलत तरीके से इस्तेमाल करने के बाद ही ये साइड इफेक्ट होता है। ईसीपीटी सिरप का हम सही तरीके से प्रयास करते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है इसके डोसेज बोलते हो, ये बच्चों के लिए 5 ml सुबह दोपहर शाम भोजन के पहले लेना है। बाद में जोर से भूख लगेगी आप भोजन कर सकते हो। बड़ों के लिए 10 ml लेना है आधा घंटा भोजन के पहले 3 बार। और याद रखिए यह प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, लैक्टेशन अगर कोई मदर कर रही है तो इसके लिए नहीं है। इसके साथ अन्य कोई भी सेडेटिव, सेट्रिजिन या कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट या अल्कोहल ना ले। याद रखिए ईसीपीटी सिरप के लेने से ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ अलर्टनेस या लॉस ऑफ अटेंशन, एटैक्सिया, ड्राई माउथ या ड्राउजीनेस फील होता है। इसलिए छोटे से बड़े तक इस्तेमाल करने वाले, या छोटे बच्चे साइकिलिंग ना करें और बड़े ड्राइविंग ना करें, हेवी मशीनरी ऑपरेट ना करें। अगर आपको ये वीडियो और दी हुई इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।